देवी मातंगी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। माँ मातंगी का बीज मंत्र ओम रीम क्लीम हूँ मातंगे फट स्वाहा। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। गुप्त नवरात्रि में नवमी तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना की जाती है। मातंगी माता को प्रकृति की स्वामिनी देवी कहा जाता है। माता मातंगी कला तथा संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है तथा वचन की देवी है। माता मातंगी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल भक्तों के मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहां नवा स्थान माँ सिद्धदात्री को प्राप्त है, वहां गुप्त नवरात्रि में नौवा स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। दोनों ही स्वरूप श्री लक्ष्मी के ही हैं। माता मातंगी भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी, सुमुखी, श्यामला आदि। मातंगी माता की साधना अत्यंत सौभाग्यप्रद मानी जाती है। देवी मातंगी महाविद्या की साधना से साधक को अपार संपदा, भोग विलास, पूर्ण गृहस्थ सुख, वाक सिद्धि, शत्रुओं का नाश, कुंडलिनी जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, ईष्ट दर्शन आदि प्राप्त होते हैं। माता मातंगी आदि सरस्वती हैं। जिस पर माँ मातंगी की कृपा होती है, उसे संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान हो जाता है। उसकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। माँ मातंगी को उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं। इस रूप में माँ साधक के समस्त शत्रुओं एवं विघ्नों का नाश करती हैं। साधक के जीवन में ग्रह पीड़ा या अन्य बाधा का शमन हो जाता है। साधक को माता शक्ति प्रदान करती हैं। माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। वह मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। देवी मातंगी चतुर्भुजी हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। माता को लाल रंग के आभूषण भी अति प्रिय हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है और बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता के संग तोता भी है जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड्ग तथा वेद धारण कर रखा है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। माता की उत्पत्ति की अनेक मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोजन भोग लगा दिया। इससे देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालिनियों की भक्ति को देखते हुए मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार कर लिया तथा ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। दूसरी कथा के अनुसार देवी मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण मातंगी नाम से प्रसिद्ध हुई।
तीसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया। भगवान शिव तथा पार्वती ने उस भोजन को ग्रहण किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली स्त्री ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के नवे दिन की यह कथा संपूर्ण हुई। बोलिए भक्तों, जय माता दी। आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट करें जय मां मातंगी, और मंत्र सरोवर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।